शिवपाल यादव इस वक्त मौजूद हैं। बहुत स्वागत आपका शिवपाल जी। जी धन्यवाद धन्यवाद। बहुत दिनों के बाद आपसे साक्षात्कार का मौका मिला, ऐसा प्रतीत होता है कि आपने कुछ वजन वगैरह घटाया है। जी बिल्कुल स्वस्थ हैं, लेकिन वेट तो कम हुआ है जी। तो राजनीतिक वेट कितना आपका बढ़ा? देखिए राजनीति में मेहनत पड़ी है इधर बहुत, एक साल से लगातार पूरे प्रदेश का दौरा दौरा से जनता से संपर्क जी की वजह से, जी हाँ तो थोड़ा सा वेट कम हुआ है, कोई ऐसा नहीं है, पूरी तरह से स्वस्थ मैं हैं। जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में शिवपाल यादव का वजन कितना बढ़ा है? देखिए वैसे तो देखिए हमने अपनी पार्टी तो बनाई थी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, और पूरे प्रदेश में मैंने संगठन भी खड़ा कर लिया था, लेकिन जब मैं पूरे उत्तर प्रदेश में निकला, हर जिले में मैंने दौरा किया है, स्वागत भी बहुत बड़े संख्या में हुआ है, लोगों ने स्वागत भी किया, लेकिन लोगों के मन में एक कई बात आ रही थी, जो भी था गरीब किसान जो भारतीय जनता पार्टी से त्रस्त था, तो उनके मन में यही था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हटे उत्तर प्रदेश से। लोगों के सामने बहुत परेशानियां थीं जी, आप जब जनता के और बीच उत्तर जा रहे थे प्रदेश शिवपाल सरकार ने जी, पूरे उत्तर तो प्रदेश की जनता को निराश किया। जनता में क्या चल रहा है सरकार के प्रति? देखिए पूरे उत्तर प्रदेश की जनता निराश थी, भारतीय जनता पार्टी के कहीं पर भी कोई विकास नहीं किया, बस झूठे वादे, जितने जी भी झूठे वादे इनके निकले तो कोई इन्होंने काम नहीं किया था, न तो किसान के लिए, न गरीब के लिए, न नौजवानों के बेरोजगारी के लिए कोई काम ही नहीं किया था, केवल झूठे वादे। जैसे ही चुनाव आए हिंदू मुस्लिम बस मंदिर मस्जिद, जब आप तो अपनी बस राह यही पर काम निकल था गए इनका, थे, बस इसके अलावा। आपने अपनी इस पार्टी बना ली थी, अपना जी संगठन खड़ा कर लिया था, चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि आपने भतीजे को गले लगा लिया? देखिए पूरे उत्तर प्रदेश की जनता की मांग थी हमारे सामने, उन्होंने कहा था एक हो जाना चाहिए चचा भतीजे, एक हो जाना चाहिए, ये पूरे उत्तर प्रदेश की जनता की मांग थी। जब भी हम उत्तर प्रदेश हर जिले में निकले तो एक ही मांग आ रही थी कि अगर भारतीय जनता पार्टी को हटाना है तो एक हो जाइए। तो आपने सुना ही होगा जब हम निकले तो मैंने तो 2 साल पहले मैंने कहा था कि भाई हमारी प्राथमिकता है समाजवादी पार्टी, और आते आते देर जरूर हुई है, जी लेकिन जब अखिलेश हमारे पास आ गए तो पूरी जनता की मांग भी थी, तो हम लोग फिर दिल से एक हो गए, और जब दिल से जनता की एक हो मांग गए थी, आप एक हो गए, ये बात वैसे मैं समझ गया, लेकिन आपकी कितनी मांग थी कि आप भतीजे के साथ रहें? जी आपकी चाहत कितनी थी कि हेलो। आप अखिलेश का साथ दें? देखिए वैसे तो देखिए हमारी तैयारी भी थी, लेकिन फिर जब मैंने सोचा कि अगर भारतीय जनता पार्टी को हटाना है, जी और फिर जब दिल से एक हुए तो मैंने अखिलेश यादव को नेता मान लिया, और मैंने कहा कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हटें और भारतीय जनता पार्टी का तभी सफाया हो सकता है, जी इसलिए हम एक हो गए। पिछले दिनों मैंने मुख्यमंत्री जी का एक साक्षात्कार किया, इंटरव्यू किया, आपका नाम आते ही वो बहुत भावुक हो जाते हैं, कई बार आपको लेकर बड़े चिंतित दिखाई दिए मुझे इंटरव्यू में, मैं इसका कारण नहीं समझ पाया। देखिए अब अखिलेश वैसे तो देखिए भतीजे हैं,
मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात कर रहा हूँ। मैंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इंटरव्यू किया तो आपकी काफी पैरवी करते मुझे दिखे वो। देखिए, वैसे तो देखिए, हमने हमेशा संतों का हमेशा सम्मान किया है। आप जानते ही हो कि हमारे जो उत्तर प्रदेश में जितने भी संत हैं जी तो बहुत से संतों को हम जानते हैं। तो देखिए, संतों से हमें हमेशा हमने संतों का सम्मान किया है। लेकिन विधानसभा में भी जब भी मुझे मौका मिला तो मैंने देखिए सुझाव जरूर दिए हैं, हैं सुझाव जरूर दिए हैं, लेकिन सुझाव के साथ साथ मैंने सम्मान तो हमेशा किया है। अच्छा, आप ये भी जानते हैं कि जब हम मंत्री रहे तब दूसरे दलों के लोग भी हमारे पास आते थे तो उनको भी हम सम्मान के साथ बैठालते थे और उनका जो भी काम हम कर सकते थे। एक मुद्दा उन्होंने मुझे दिए गए इंटरव्यू में, एक मुद्दा आपसे संदर्भ में उठाया था। मुद्दा ये था कि जब मुख्यमंत्री का कहना था कि जब मैंने वो मुद्दा उठाया कि शिवपाल यादव की उपेक्षा हो रही है तब समाजवादी पार्टी ने उन्हें स्टार प्रचारक बनाया, ऐसा दावा योगी आदित्यनाथ ने किया मुझे दिए इंटरव्यू में। जी, मुझे जो इंटरव्यू दिया मुख्यमंत्री ने उसमें उन्होंने कहा कि चूंकि मैंने ये मुद्दा उठाया इसलिए शिवपाल यादव को समाजवादी पार्टी ने स्टार प्रचारक बनाया। हाँ, ये देखिए, स्टार प्रचारक तो बनाया है लेकिन मैंने पूरी तरह से समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को जब नेता मान लिया है और जब हम लोग देखे रथ पे नेताजी हम अखिलेश तीनों लोग, तो आपने देखा होगा कि पूरे उत्तर प्रदेश में जनता में कितनी खुशी की लहर दौड़ गई जी। और पूरे जब इटावा की सड़कों पर देखा ही होगा आपने कितना जन सैलाब उमड़ पड़ा था। तो देखिए, दूसरी तरह से लहर आ गई थी समाजवादी पार्टी के पक्ष में जी। जब समाजवादी पार्टी के पक्ष में लहर आ गई तो फिर समाजवादी के नेताओं को भी लगा कि भाई अब तो हा? दो और सवाल है मेरे पास आपके लिए। पहला ये कि जो आपने तो समाजवादी पार्टी का दामन पकड़ लिया लेकिन जो आपके साथ नेता खड़े थे आपकी पार्टी के उनके हाथ तो कुछ नहीं लगा जे? आपने तो सपा का दामन पकड़ लिया लेकिन आपके साथ जो पार्टी में थे आपकी पार्टी में उनके हाथ कुछ नहीं लगा। देखिए, ये तो हमने हमेशा राजनीति में अपने लोगों को भी सिखाया है, अगर देखिए कहीं पर भी राजनीति में अगर सफलता प्राप्त करनी है और भारतीय जनता पार्टी को हटाना है तो देखिए संघर्ष संघर्ष के साथ साथ कभी कभी त्याग भी करना पड़ेगा। तो देखिए, वैसे तो मैंने तो सुझाव तो दिए थे अपने लोगों के लिए लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी को हटाना था और जब अखिलेश यादव को नेता मान ही लिया है, उनको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के लिए जो हम लोगों ने एका किया था और हम लोग दिल से मिले हैं, तो हमने सोचा कि भाई अब तो त्याग करना ही है, त्याग करना ही है। और फिर मैंने तो आप जानते ही हो कि हम समाजवादी पार्टी में 40-45 साल नेताजी के साथ काम किया है और काम करने के साथ साथ हमने समाजवादी पार्टी को देखिए जितने भी समाजवादी पार्टी में हैं इन सब के साथ मैंने काम किया है। तो फिर मैंने तो अखिलेश पे छोड़ दिया था पूरा का पूरा, जो भी निर्णय लेंगे जी जो भी करेंगे लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार हटे और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बने, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने, तो इसके लिए मैंने तो फिर छोड़ दिया। जो भी साथी उस गठबंधन में लड़ रहे हैं समाजवादी से लड़ रहे हैं तो सभी हमारे हैं।
मैंने आपका राजनीतिक जीवन, राजनीतिक इतिहास और करियर को बड़े नज़दीक से देखा है। अब तक आप 15 चुनाव लड़ चुके हो या लड़ा चुके हो। 2022 का ये चुनाव शिवपाल यादव की नज़र में कैसा है और क्या होने जा रहा है? देखिए, अब पश्चिम से शुरुआत हुई है, पहला चक्र, दूसरा चक्र, तीसरा चक्र, तो सभी चक्र में समाजवादी पार्टी की जो गठबंधन बना है वो अभी तक तो बहुत आगे चल रहा है, और आते आते देखिए अब पांचवा चक्र का चुनाव होना ही है, फिर छठवां सातवां आते आते प्रचंड बहुमत की सरकार अखिलेश यादव के नेतृत्व में बनने जा रही है। ऐसा आप सोचते हैं कि प्रचंड बहुमत से बनेगी या फिर जनता से आपको वो फीलिंग महसूस हो रही है? देखिए, जनता की फीलिंग भी और प्रचंड बहुमत की सरकार आपकी बार बनेगी, वो इसलिए बनेगी कि 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रदेश के लिए कोई काम नहीं किया है। शिवपाल जी, ये प्रचंड बहुमत कितना होता है, थोड़ा इसकी सीमा बता दीजिए मुझे। प्रचंड बहुमत का मतलब क्या है? प्रचंड बहुमत देखे देखे प्रचंड बहुमत 250 से लेके 300 तक जा सकते हैं। ये गठबंधन बना है जो अखिलेश यादव के नेतृत्व में, 300 तक जा सकते हैं, 250 से लेकर के 300 के बीच में समाजवादी पार्टी के। देखिए, आप बहुत बड़े नेता हैं और आपको अनुभव बहुत है, इसलिए कोई भी बयान सोच समझ कर दीजिए, मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ। नहीं है ब्रजेश, आप तो जानते हो मैं थोड़ा सा कभी झूठ बोलना मुझे आता नहीं जी। हाँ, तो 250 से 300 सीटें। देखिए, 250 से लेकर बीच में सीटें निकलेंगी समाजवादी पार्टी, तब तो फिर इस पर सरकारी बन जाए। जब मैं 250 बोल रहा हूँ तो ये 250-300 जब सीटें आनी होती हैं तो माहौल दिखने लगता है। मैं शिवपाल यादव से जानना चाहता हूँ, क्या शिवपाल यादव को वो माहौल दिख रहा है? देखिए, पूरी तरह से मुझे माहौल दिख रहा है, और जो देखिए बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और जितने भी उन्होंने वादे किए थे, देखिए यहाँ तक कि छोटा छोटा व्यापारी कितना परेशान है, जब से देखिए नोटबंदी, GST, इससे फ़ायदा किसको हुआ? व्यापारियों को कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। अच्छा, किसानों की हालत देख ही रहे हो, इस बीच में क्या हुई? एक अंतिम सवाल है, की हालत देख ही रहे हो, इन्होंने 2 करोड़ लोगों का वादा किया था हर वर्ष नौकरी देंगे, अतः आप लोग देख ही रहे हो। लास्ट क्वेश्चन, छात्र मैंने देखे किसानों को तो सुपाल जी, अंतिम सवाल। कभी कभी जब उस पर कर्ज हो जाता था तो आत्महत्या करता, आपकी बात तो मैंने इन 5 सालों में देखा है कितने छात्रों ने आत्महत्या की है। सुपाल जी, अंतिम सवाल करना चाहता हूँ, तो ये रोजगार भी नहीं दे पाए। अंतिम सवाल ये है कि अपने भतीजे यानी अखिलेश यादव को क्या सलाह देना चाहते हैं? देखिए, हमें जब भी देखिए सरकार में आए, सबसे पहले तो वो किसानों के लिए, किसानों का जो MSP है, खाद है, पानी है, बिजली है, बिजली पर जितना जो उन्होंने कहा है वो पूरा ज़रूर करें। और दूसरी बात, जो देखिए नौजवान बेरोजगार हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं, हर परिवार में कम से कम एक बेटे को, एक बेटी को हर परिवार में नौकरी जरूर दें। नहीं, ये तो सरकार बनने के बाद की आप बात बता रहे हो। मैं चाहता हूं कि आज हम लोग 25 तारीख को बात कर रहे हैं, 25 तारीख से 10 तारीख के बीच यानी लास्ट पोलिंग तक के लिए आपकी क्या सलाह है? 7 तारीख तक की जो लास्ट पोलिंग है उसके लिए राजनीतिक सलाह क्या है? देखिये, वो तो हम सब देखिये वो तो हम सब लोग निकलेंगे पांचवें और छठवें में कि जो भी हैं जाएंगे, हर क्षेत्र में जाएंगे, पूरा पांचवें छठवें, पांचवा तो अब आ ही गया है, अब तो प्रचार बंद ही हो गया है, लेकिन छठवें और सातवें में जितने भी समाजवादी पार्टी के नेता हैं सब लोग सभी क्षेत्रों में जा कर के, सभी किसान हैं, किसानों से लेकर के जो नौजवान हैं, छात्र हैं और सभी जो भी व्यापारी हैं जी,
उनको सबको आश्वासन जरूर होना चाहिए और आश्वासन उतना बहुत बहुत आपका धन्यवाद शिवपाल जी कर सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या आप अपनी बात पर कायम है कि आपकी सरकार आ रही है? बिल्कुल कायम है, बिल्कुल है, और सरकार आ रही है। छठवां सातवां आते आते मैंने जो कहा है 250-300 सीटें जीत करके पूर्ण स्पष्ट बहुमत की सरकार। परिणाम वाले दिन मैं आपको वापस कनेक्ट करूंगा और फिर तब सवाल पूछूंगा आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिवपाल यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बहुत ही वरिष्ठ समाजवादी नेता शिवपाल यादव मौजूद थे। खुलकर बात की, उन्होंने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का गठबंधन प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आ रहा है। बहनों भाइयों, पांचवें चरण की मैं